कामाख्या जाने के लिए हम लोग आए हैं गुवाहाटी स्टेशन। यहाँ से बस और ऑटो दोनों ही मिल जाता है। चलिए हम चलते रहें। स्टेशन का बाहर में आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये बस हम लोग अभी पकड़ लिया। अभी नीलाचल पहाड़ में हम लोग चढ़ रहे हैं ये बस से। देखिए हम पहुंच गए मंदिर के एकदम बगल में गेस्ट हाउस। देखिए ये जूता रखने का फ्री स्टॉल है और सामने फ्री कूपन। जूता रख के आप फ्री कूपन लीजिए। ये कूपन फ्री है। देखिए बहुत शानदार भोग प्रसाद मिलता है। यहाँ आप थाली ले लीजिए। ये देखिए हवन चल रहा है। देखिए भोग प्रसाद अन्न प्रसाद। देखिए दाहिने में भी घर है, बैठ के भी आप प्रसाद ले सकते हैं, खड़ा होकर भी प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद को देखिए इतना अच्छा प्रसाद है। देखिए चावल पूरी पायस हलवा बहुत शानदार और इतना स्वादिष्ट सब्जी भी है। हवन चल रहा है मंदिर में। ये है बोली घर। हर रोज यहाँ पर बोली होता है और ये मेन मंदिर बाहर का हिस्सा और यहाँ से शुरू होता है मंदिर परिक्रमा। हम आपके लिए एक बार परिक्रमा कर लेते हैं। ऑलवेज क्लीनिंग चल रहा है, पूरा मंदिर परिसर साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात यहाँ पर काम चलते हैं। गर्मी का दिन है, थोड़ी आदमी का भीड़ कम है, फिर भी मंदिर दर्शन के लिए आप लोग खड़ा होंगे जनरल लाइन में, 4-5 घंटा तो ज़रूर लग जाएगा। देखिए सूरज ढलने वाला है, इसमें कैसा लग रहा है। यहाँ पर बोला जाता है ऑलवेज मिराकल्स घटते हैं। देखिए जहाँ देखेंगे वहाँ ही एक दर्शन करने का आपको नया नया इच्छा जागृत होगा। ये देखिए कम से कम हजारों साल पुराना और इसका जो पुराना इतिहास है वो कितना पुराना उसका कोई जानकारी नहीं है।
इसका जो पुराण कथा है वो हम अलग अलग पार्ट में सुनाने का कोशिश करेंगे। ये कबूतर देखिए, ये भी एक साधारण कबूतर नहीं है, आदमी के साथ एकदम निश्चिंत रहते हैं, कोई डर का बात नहीं। देखिए एकदम हम नज़दीक हैं, और ये कबूतर रात में भी मंदिर का ऊपर में बैठा रहते हैं, पूरा खुला आसमान के नीचे बैठा रहते हैं। देखिए दस महाविद्या मंदिर, 64 जोगिनी का सब यहाँ पर एक साथ में है। देखिए माँ का कृपा लीजिए, यहाँ पर रहने से यहाँ पर थोड़ी समय आप बिताएंगे तो अलग सा ऊर्जा आपको महसूस होंगे। हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर, शक्तिपीठ माँ का शक्ति, और जो पांडा आदमी है कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं किसी के साथ। पूरा ये जो क्षेत्र है नीलाचल पर्वत, इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी, ये गणेश जी का, देखिए गणेश जी को, हर गेट के दो पास में ऐसा बहुत शानदार लायंस। देखिए कितना अच्छा लायंस है, बहुत शानदार। रोयरिंग लायंस देखिए, मंदिर का चूड़ा को देखिए चमक रहा है, नीला आसमान। आपके लिए एक बार परिक्रमा कर लिए, बहुत आदमी 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। ये है दीपदान घर, यहाँ वहाँ दीप नहीं देके एक घर कर दिए, एक घर में सभी आदमी ने दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। देखिए VIP लाइन का जो टिकट है 500 रुपया, उसमें 2-3 घंटा लग जाता है, और जो नॉर्मल क्यू है उसमें कम से कम 4-5 घंटा व उससे भी अधिक समय भीड़ के अनुसार लगते हैं। देखिए यहाँ पर सभी ने नारकेल फोड़ते हैं, मंदिर का जो रहने का घर है वहाँ आने के लिए यहाँ पर जो पुरोहित आदमी है उनके साथ संपर्क करके आप बुकिंग कर सकते हैं, मंदिर का यही नियम है। और ये है मंदिर, देखिए
ये है बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा मोबाइल फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हमारा एक बार परिक्रमा हो गया, यहाँ पर शाम में बहुत शानदार आरती होता है, दोपहर में फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रात में आरती होने के बाद हाथ में प्रसाद दिया जाता है। मंदिर का मेन एंट्रेंस का बाहर में ये तारा मंदिर है, देखिए तारा मंदिर। पत्थर का सब स्टेयरकेस, कितना पुराना मंदिर देखिए। हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी सभी जगह में मौजूद है। आप आएंगे, आप बैठेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, आपको महसूस होने लगेंगे। सती माता का जो 51 सती पीठ है उसमें से सबसे पावरफुल ये कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर और इसके आसपास में जो शक्ति पीठ है ये सब दिखाने के लिए अलग अलग पार्ट में दिखाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में कंप्लीट करने के लिए। आप ये वीडियो देखिएगा और सब वीडियो देख के ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माँ का कृपा आपको प्राप्त हो, यही कामना लेकर आज के लिए विदा लेते हैं। प्रणाम।